रायगढ़ शहर में पिछले महीने भर में धर्मांतरण का पांच हुआ, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा मामला पकड़ा गया, जहां घर पर प्रार्थना करवाने और लगभग 100 से ज्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर कोशिश की जा रही थी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी युवा नेता अंशु टुटेजा वहां पहुंच गए और मामले को उजागर कर दिया। शहर के झूठ मिल क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 गांधीनगर इलाके के घर में खुलेआम धर्मांतरण के नाम पर चल रहे सामाजिक बुराई के खेल को हिंदू संगठन के जुझारू कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। दरअसल आज रविवार होने की वजह से प्रार्थना करवाने का मौका रहता है और रविवार के दिन ही रायगढ़ शहर में धर्मांतरण के मामले पहले भी पकड़े गए हैं। लिहाजा गांधीनगर के इस घर में धर्मांतरण करवाने 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया था और भीतर प्रार्थना चल रही थी। इधर मामले की सूचना बीजेपी युवा नेता अंशु टुटेजा सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल स्थानीय पार्षद को लगी तो सभी वहां बड़ी संख्या में पहुंचे और घर के भीतर खुलेआम चल रहे इस धर्मांतरण के मामले को रोकने जमकर नारेबाजी करने लगे। इस रहवासी क्षेत्र में जारी इस धर्मांतरण की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते पूरा का पूरा मोहल्ला इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए उठ खड़ा हुआ। इधर धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आने के बाद एसडीएम सहित डीएसपी और सभी थानों के प्रभारी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते धर्मांतरण जारी घर के बाहर अनगिनत लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और क्षेत्र में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। भारी गहमागहमी के बीच घर के भीतर से लगभग 135 लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया, जिन्हें बरगलाकर धर्म बदलने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा था। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने घर के मालिक सहित बाहर गांव से आए हुए एक व्यक्ति को घर से हिरासत में ले लिया है। मंत्री के रायगढ़ शहर में एक के बाद एक सामने आ रहे धर्मांतरण के लगातार मामलों के बाद या तो स्पष्ट हो गया है कि रायगढ़ में धर्म के नाम पर लगभग हर मोहल्ले में ये सामाजिक बुराई का खेल जारी है, जिसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाली नस्ल इसका परिणाम भुगतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट रायगढ़। मेरे लड़का को बोला है मेरे किचन में आ जाओ, तेरे को 50,000 दूंगा। वो प्रीतम मिरी है, प्रीतम मिरी हमारे मोहल्ला में है। प्रीतम मिरी। और क्या क्या बोला गया आपके साथ? वो उससे बोला है मेरे को, मेरे हमारे समाज में आओ तो तुमको 50,000 दूंगा बोला है। धर्म को काम पर गया नहीं गया, वो नहीं गया, हम नहीं जाऊंगा बोला। जो हमारे हिंदू भाई हैं हम लोग उनको घर वापसी करेंगे। आपका कोई रिश्तेदार है क्या अंदर में? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा हिंदू सब रिश्तेदार है, सब मेरा रिश्तेदार है, हिंदू हमारे रिश्तेदार, सब हिंदू भाई रिश्तेदार है। जो मास्टर मान गए कितने साल? हमारे नाम बैनाची है, हम फटामुआ कराने वाले हैं। कितने सालों से चल रही है ये तो बराबर ही कांग्रेस के जमाने से चल रहा है। हाँ, कितने साल हो गए? अच्छा, ये क्या कुछ प्रलोभन देकर कर? बिल्कुल, हमारे हिंदू भाई को बरगला करके और कुछ पैसे का प्रलोभन देकर के ये बनवाते हैं लोग। कितने लोग कन्वर्ट हो चुके हैं? बहुत लोग हो चुके हैं, उसका नाम हम क्या बताएं। और देखिए दादी को आगे ले जाओ, वो हमारी बहन क्या बोलती है? अच्छा, पुलिस कार्रवाई करती है? पुलिस तो उनको बचा के रखी है, क्यों मास्टरमाइंड को अरेस्ट करके ले जाती है?